हेलो दोस्तों, तो एसक्यूएल सर्वर की ये तीसरी वीडियोज है जिसमें हम बात करने जा रहे हैं। हमने अभी भी जस्ट अपनी वीडियो अपनी माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर को हमने इंस्टॉल कर लिया है। इंस्टॉल करने के बाद हमने अभी जस्ट सर्वर को इंस्टॉल किया है, तो आप देखेंगे कि हम यहाँ इसका जो स्टूडियो है वो नहीं आ रहा है। आप देख पा रहे हैं ये हमारे पास एसक्यूएल का इंस्टॉलेशन है, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो करके आपकी इस लिस्ट में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए वापस हम आते हैं गूगल पे और हम एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को डाउनलोड करेंगे। ये भी जरूरी है, कैसे करेंगे चलिए हम आपको बताते हैं। तो एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो आपको सर्च करना है, इसको SSMS बोलते हैं। ये इंटरफेस है एसक्यूएल सर्वर और आपके बीच में इंटरफेस है। सो इसके लिए आपको चाहिए, ये आपका 18.1 लेटेस्ट वर्जन है, इसको आप यहाँ से डाउनलोड करें। तो इसमें दो हो गई, एक तो हमने अपना सर्वर डाउनलोड किया और इसको इंस्टॉल किया, दूसरा हम उसका इंटरफेस मैनेजमेंट स्टूडियो को डाउनलोड कर रहे हैं, उसको इंस्टॉल करेंगे। तो ये भी इंस्टॉल करना सिंपल है, इंस्टॉल करने के बाद इसको ईजिली आप रन कर सकते हैं। कुछ सेकंड वेट करते हैं, ये डाउनलोड जस्ट होने ही वाला, क्योंकि 635 MB का है और थोड़ा सा इंटरनेट मेरा फिलहाल स्लो है, सो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगली वीडियो में बताऊंगा कि इसको इंस्टॉल करना कैसे है और कैसे हमारा फर्स्ट विंडो ओपन हो।